सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ बी टू स्टॉक ट्रेंड। एंड फ्रेंड्स, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, 1 वीक का टाइम फ्रेम लगा रखा है ना। तो फ्रेंड्स, कल जो हमने एनालिसिस किया था, आज डॉट टू डॉट वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिला मॉर्निंग में हमको, उसके बाद सेकंड हाफ में हमको एक अच्छा खासा एक अपसाइड रैली देखने को मिली। और ये रैली का अपडेट मैंने व्हाट्सअप ग्रुप पर भी डाल रखा था। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर नहीं है तो या प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो जिससे कि मैं आपको ईजिली मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पर एड कर दूँगा। और इसी के साथ में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर ही इसमें ट्रेड कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ले आया हूँ आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। फ्रेंड्स, हमारे लिए जो अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का जो लेवल जो काम करेगा वो लगभग करेगा 39,040 के ऊपर। कहीं मार्केट निकलता है तो अच्छा खासा एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है हमको आने वाले टाइम में। बट जब तक 39,040 क्रॉस नहीं करता, इसमें किसी प्रकार की कोई तेज़ी नहीं है। और जिस दिन 39,040 के ऊपर कहीं निकल जाता है, अच्छा खासा एक हमको अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वो कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताऊँगा, क्या टारगेट रहेगा वो मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बताऊँगा। अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ 1 वीक के एनालिसिस पे कर रहा हूँ, है ना। इसलिए जब तक 39,040 क्रॉस नहीं करता, तब तक हमारे लिए जो अभी भी जो टारगेट निकल के आ रहा है नीचे का, वो लगभग आ रहा है 37,700 का, 37,130 का और 36,800 का हमारे लिए नीचे का एक टारगेट निकल के आ रहा है ना। तो ये रहा 1 वीक का एनालिसिस। अब हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। 1 डे में क्या बोल रहा है मार्केट। 1 डे में फ्रेंड्स, मैंने यही बताया आपको, 39,000 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट लेवल का काम कर रहा है। इसके ऊपर कहीं निकलेगा तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, इस जिस दिन अब 960 के 950 के नीचे कहीं निकल जाता है मार्केट, तो अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है ना। जो हमने हमारा जो अभी 1 वीक का जो टारगेट था, वही 1 डे के अंदर भी हमारा लेके चल सकते हैं उस टारगेट को, 37,080 और 37,835 तक का टारगेट, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर में मैं आपके लिए अब एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेके आ गया हूँ आपको। एक बार मैं वापस कुछ लेवल ड्रॉ करने, तो मैं एक बार लेवल लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने जैसा अभी आपको बताया था 39,040 के ऊपर कहीं निकलता है, ऊपर कहीं सस्टेन कर जाता है, तो उसके लिए जो आप सपोर्ट का काम करेगा वो कौन सा करेगा। 39,040 के ऊपर जब निकलता है मार्केट, तो इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा, बॉटम सपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, 38,640 का एक बॉटम सपोर्ट है, एक ये काम करेगा। और 38,850 का एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। जब तक 38,850 हो, 38,640 के ऊपर, 660 के ऊपर कहीं मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब 640 के ऊपर के मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो इसके अंदर अच्छा खासा एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। अगेन हमको हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा जो टारगेट रहेगा 39,767 का रहेगा, 39,200 तक का रहेगा और 40,400 तक का भी लेवल हमको आने वाले टाइम के अंदर दिख सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ। मैंने आपको सब क्लियर किया है कि 39,040 के ऊपर कहीं सस्टेन कर जाता है, कहीं क्लोजिंग देता है, तो हमको अच्छा खासा एक अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी। और सपोर्ट का जो काम करेगा हमारे लिए करेगा 38,640 का हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और इसके लिए जो बढ़िया सपोर्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, 38,850 का रहेगा, ठीक है। अब हम ले चलते हैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट में क्या हुआ फ्रेंड्स, 15 मिनट में एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास डाउन साइड कौन सा लेवल निकल के आ रहे हैं और अपर साइड में हमारे पास कौन सा लेवल निकल के आ रहा है ना। फ्रेंड्स, मेरे पास कितने जनों का आता है कि सर आप ओपन इंटरेस्ट देख के करते हैं क्या, ऑप्शन चेन हमको सीखनी है। मैं देखो फ्रेंड्स, किसी प्रकार की कोई ऑप्शन चेन नहीं देखता हूँ मैं, यहाँ तक मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है, वो कुछ भी नहीं देखता हूँ ना। मैं थीटा देखता हूँ ना, मैं डेल्टा देखता हूँ, कुछ भी नहीं देखता हूँ। ये सिर्फ मैं मेरा चार्ट देखता हूँ, मेरा चार्ट क्या बोल रहा है, मेरा चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, उसको मैं फॉलो करके चलता हूँ। तो उसी के साथ में अच्छा खासा हमको एक टारगेट देखने को मिलता है हमारे,
ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि कल के दिन में अगर मार्केट 38,850 से 38,870 के ऊपर कहीं निकलता है तो हमारा जो इमीडिएट जो टारगेट देखने को मिलेगा 39,105 का देखने को मिलेगा, 39,230 तक का लेवल देखने को मिलेगा। 39,230 के ऊपर कहीं निकल जाता है तो 39,000 हमको 429 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा वो कौन सा करेगा, 38,420 का करेगा। 38,420 एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए और हो सकता है यहीं से वापस रिवर्स हो जावे, है ना। तो इसलिए जब तक मार्केट हमारे पास दो रेंज एक निकल के आती है, 38,500 तक की रेंज आती है और 38,300 की रेंज आती है, इसके बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है या इसके बीच में कहीं मार्केट आता है तो फ्रेंड्स इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रेड मत लेना, ये आपको साइडवेज मार्केट जोन में जा सकता है या आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकता है ना। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही 38,300 के कहीं नीचे सस्टेन होता है, 38,280 के नीचे भी कहीं सस्टेन होता है तो हमको जो इम्पोर्टेंट लेवल देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 38,180 लेवल देखने को मिलेगा और इसके नीचे हमको 37,250 का अगेन एक लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, और 37,950 के नीचे कहीं निकल जाता है मार्केट तो हमको अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लगभग हमारा जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा वो मैं बता देता हूँ आपको, वो हमारा टारगेट रहेगा 37,700 और 37,570 का हमारा टारगेट रहेगा अगर 37,950 के नीचे कहीं सस्टेन कर जाता है मार्केट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही बैंक निफ्टी की बात। तो फ्रेंड्स आज मैं सिर्फ बैंक निफ्टी पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो या प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह मैं क्या है कि नए नए वीडियो लेके आऊँगा और फ्रेंड्स जितने लाइक आएंगे जितने कमेंट आएंगे तो मैं आने वाले टाइम में आपके लिए स्टॉक लेके आऊँगा जिसमें हमको क्या है कि विद इन 7 to 10 days के अंदर अच्छा खासा एक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो अभी बॉटम पे खड़े हुए हैं या जो कोई अच्छा खासा सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, हम उसको कहाँ हमको उसको पिक करना है, कहाँ हमको उसका अंदर एंट्री बनानी, कहाँ उनको उसके अंदर एग्जिट करना, वो मैं आपको आने वाले टाइम में वीडियो के अंदर बताऊंगा अगर इसके ऊपर मुझे लाइक और कमेंट आते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मिलते हैं हम, और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी होगा मैं अपडेट मॉर्निंग में करूंगा आपको। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।